रावण देखो मुझे इतनी बड़ी है, मुझे बड़ी है तो रावण है, रावण की मुझे तो बड़ी होती है। आपकी मुझे बड़ी है। हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल्दी दशहरे का त्यौहार आने वाला है, तो इसलिए चैतन्य अभी से जिद कर रहा है कि मुझे रावण दिखा के लाओ, क्योंकि हमारे यहाँ तितारपुर है पास ही हमारे घर के, तो वहाँ बहुत सारे रावण बनते हैं। अभी हम कल वहाँ से निकले थे, हमने देखा था काफ़ी सारे रावण थे, तो इसलिए चैतन्य भी जिद कर रहा है। तो बस अभी चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं यहाँ के रावण। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से कोविड चल रहा था, तो उस कारण से ज़्यादा रावण भी नहीं लग पा रहे थे और इनका भी काम काज ठप पड़ा हुआ था। लेकिन अभी हम कल वहाँ से निकले तो काफ़ी रावण बन रहे थे, अच्छी बात है। इस बार दशहरा भी खूब उत्साह के साथ मनाया जाएगा, तो बस अभी चलते हैं और देखते हैं। और तितारपुर से ही पूरे दिल्ली और NCR में रावणों की सप्लाई होती है, यहाँ से काफ़ी रावण जाते हैं, रावण के लिए फेमस है, मेन गढ़ यही है रावण का, तितारपुर में सारे रावण बनते हैं। तो बस अभी आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे तो बहुत सारे रावण हैं, अभी आपको दिखाते हैं। और चैतन्य तो खुश ही हो गया, चैतन्य की तो लॉटरी लग गई है। चैतन्य कैसा लग रहा है? अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। हाँ यहाँ पे तो बहुत सारे रावण हैं, अभी आगे और दिखाते हैं। क्या मस्त मूछें हैं रावण की। बकवास बंद। देखिए भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं, अभी तैयारी चल रही है, ये सब भाई लोग मिलके बना रहे हैं, अब इनसे बातचीत भी करेंगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे भाई से बात भी करेंगे और पूछेंगे उनसे ये कब से तैयारी शुरू करते हैं। तो अभी एक भाई से मिले हैं, पूछते हैं। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा शिब्बू नाम है। कब से आप ये काम कर रहे हैं रावण बनाने का? वैसे तो 30-35 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे 6 साल हुए हैं यहाँ काम करते हुए। तो पिछले 2 साल से क्या रावण बन रहे थे या उसमें काम में कमी आई थी, इसके बारे में आप बताएंगे कुछ? काम तो चल रहा था, लेकिन जो काम चलना चाहिए वो नहीं चला, लेकिन हल्के छोटे रावण बना रहे थे हम लॉकडाउन में। तो इस बार तो काफ़ी क्रेज होगा लोगों में, इस बार तो काफ़ी उत्साह होगा, काफ़ी रावण जाएंगे आपके? हाँ वैसे तो 2 साल रुके हैं, तो लोग क्रेज तो होना चाहिए जैसे कि मार्केट का लग रहा है, लेकिन पता नहीं मार्केट एक दिन में कब बदल जाए। हाँ ये तो है, क्योंकि कोविड के वजह से सबके कामकाज पे काफ़ी असर पड़ा था, तो आपके कामकाज पे भी पड़ा होगा। हमारा तो काफ़ी लॉस हुआ है लॉकडाउन में। वैसे तो मैं ढोल का काम भी करता हूँ, लेकिन वेडिंग पार्टी का भी काम करता हूँ साथ में, लेकिन अभी काम नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आ जाते काम करने के लिए। अक्टूबर में हमारा काम चालू हो जाएगा, फिर हम वेडिंग पार्टी का काम शुरू करेंगे। तो आप बताएंगे ये आपके रावण सिर्फ दिल्ली में ही सप्लाई होते हैं, दिल्ली से बाहर भी या कहाँ कहाँ जाते हैं? दिल्ली से बाहर भी जाते हैं हमारे, जैसे पहले होती है वो बुकिंग है जो दशहरे से 10 दिन पहले निकल जाते हैं वो रावण, जो दूर दूर से लोग आते हैं बुक करने के लिए, वो बुक होके पहले निकल जाते हैं। तो दिल्ली NCR, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव सब जगह जाते हैं क्या? दिल्ली के हर कोने में रावण लेने वाला तो कहीं से भी ऑर्डर करवा सकता है, पहुंचाना ले जाना उन्हीं का काम है, हमें खाली पुतला बना के देना पड़ता है। तो ये एक रावण को बनाने में कितना खर्चा लगता है? देखो वो तो हमारे जो उस्ताद है उनको पता है, हम तो कारीगर है, लेकिन ये है कि 500-600 रुपये फुट चल रहा है अभी। अच्छा। तो 35-40 फुट का 12,000 का जाता है, और जो 50-55 फुट का है वो 18-20 हज़ार रुपये में जाता है। तो इस रावण के अलावा आप और क्या करते हैं काम? मैं वेडिंग पार्टी में ढोल प्ले करता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये तो सीजनल काम रहता है, थोड़े से टाइम का ही रहता है ये तो। देखो हमारा 1 महीने का काम होता है, क्योंकि दशहरे से 1 महीने पहले चालू करते हैं हम, 1-1.5 महीने पहले चालू कर देते हैं, क्योंकि जितना छोटा छोटा काम होता है पहले वो निपटाते, उसके बाद बड़ा काम चालू होता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी मेहनत देख के काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, इसी तरह भगवान आपके काम को बढ़ाए, आप खूब तरक्की करें, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। गाइस रावण देख के हम घर आ गए थे,
और घर आके मैंने चाय वाय पी ली, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच आ रहा है T20, वही देख रहा हूँ। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।